अल्लाम क्लास टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फोर सब्ट्रैक्ट 3x5 एक्स फाइव माइनस फोर एक्स फोर प्लस एट एक्स थ्री माइनस सिक्स फ्रॉम एट एक्स फाइव प्लस फाइव माइनस थ्री प्लस फोर प्लस टू फ्राम के बाद वाला जो नंबर है इसको में से आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो फ्रॉम के बाद वाली जो वैल्यू है आपकी फर्स्ट वैल्यू हो, हो जाएगी माइनस इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो सेकेंड वैल्यू ये हो जाएगी अब इसको हम सॉल्व करते हैं जो फर्स्ट वैल्यू ये ऊपर आ जाएगी सेकेंड वैल्यू नीचे आ जाएगी सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट के साइन के साथ जो राइट साइड पर वैल्यू इसकी आपने साइन चेंज कर देनी थ्री एक्स फाइव पहले प्लस था तो चेंज होकर माइनस हो गया फोर एक्स फोर पहले माइनस से चेंज होकर प्लस हो गया एट एक्स थ्री प्लस था चेंज होकर माइनस हो गया अब एक्स फाइव के नीचे एक्स फाइव ही आना चाहिए एक्स फोर के नीचे एक्स फोर ही आना चाहिए और एक्स थ्री के नीचे एक्स थ्री फोर एक्स के नीचे अब एक्स की कोई वैल्यू नहीं तो एक्स वैसे तो ही रह जाएगा और नंबर के नीचे नंबर ही आएगा प्लस टू के नीचे माइनस सिक्स आएगा माइनस सिक्स से तो चेंज हो गया साइन प्लस हो गया अब एक्स फाइव वैसे ही आ जाएगा इनके कोफिशेंट को ऐड या सेप्रेट करेंगे अब एट थ्री के साथ माइनस है एट माइनस थ्री फाइव एक्स फाइव फाइव एक्स फोर प्लस फोर एक्स फोर नाइन एक्स फोर माइनस थ्री एक्स थ्री माइनस एट एक्स थ्री माइनस एलेवन एक्स थ्री फोर एक्स एज इट इज आ जाएगा प्लस टू प्लस सिक्स प्लस एट ये आंसर है आगे एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर फाइव है इसका पार्ट नाइन करेंगे ए माइनस बी प्लस डी इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी ए हमें दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी बी दिया हुआ है ए माइनस बी प्लस सी और डी दिया है माइनस ए माइनस बी माइनस सी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ए माइनस बी प्लस डी के हमने वैल्यू फाइंड करनी डिमैस रूल के मुताबिक हम पहले एडिशन करते हैं तो डिमैश रूल के मुताबिक इनको हम अरेंज कर लेंगे ए और डी को पहले ऐड करेंगे फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको बी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे पहले हम ए प्लस डी को फाइंड करेंगे अब ए की वैल्यू क्या है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू माइनस ए माइनस बी माइनस सी इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे फर्स्ट वैल्यू जो है ऊपर आ जाएगी सेकेंड वैल्यू नीचे आ जाएगी इनको हमने करना है प्लस प्लस में साइन चेंज नहीं होते जो साइन है एज इट इज़ आ जाएंगे ए माइनस ए के नीचे ए बी के नीचे बी और सी के नीचे सी ए माइनस ए ये कैंसिल हो जाएगा प्लस बी माइनस बी ये भी कैंसिल हो जाएगा प्लस सी माइनस सी ये भी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा जीरो ए प्लस डी आपके पास ज़ीरो आ गया हमने फाइंड करना है ए प्लस डी माइनस बी ए प्लस डी ये ज़ीरो है तो ज़ीरो में से माइनस कर देंगे हम बी बी क्या है ए माइनस बी प्लस सी अब ज़ीरो माइनस ए माइनस बी प्लस सी माइनस के जो राइट साइड वाली वैल्यूज़ हैं इनके आपने साइन चेंज कर देंगे ज़ीरो में से जो कोई भी नंबर माइनस होता है तो वो वैसे ही आ जाता है लेकिन साथ माइनस आ जाएगा अब माइनस आ रहा है तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे ए के साथ पहले प्लस था चेंज होके माइनस हो गया बी के साथ पहले माइनस या चेंज हो के प्लस हो गया और सी के साथ पहले प्लस सा चेंज हो के माइनस आ गया और ये आंसर है आपका नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर फाइव का लास्ट पार्ट करेंगे ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी ए दिया हुआ ए प्लस बी प्लस सी बी ए माइनस बी प्लस सी सी ए प्लस बी माइनस सी डी ए माइनस ए माइनस बी माइनस सी ये आपको क्वेश्चन में गिवन है आपने वैल्यू फाइंड करनी ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी की तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ए प्लस बी पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ए प्लस बी या सी प्लस डी में से कोई फाइंड करेंगे तो हम पहले ए प्लस बी को फाइंड कर देते हैं ए की वैल्यू लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी की वैल्यू ए माइनस बी प्लस सी इनको हमने क्या करना है ऐड करना है एडिशन में साइन चाहिए ए के नीचे ए बी के नीचे बी सी के नीचे सी अब ए प्लस ए टू ए प्लस बी माइनस बी तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा ज़ीरो आ जाएगा प्लस सी प्लस सी टू सी ए प्लस बी जो है आपके पास टू ए प्लस टू सी आ गया अब आपने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है सी प्लस डी सी की वैल्यू लिखेंगे ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी की वैल्यू लिखेंगे माइनस ए माइनस बी माइनस सी इनको भी आपने ऐड करना है ए के नीचे ए की वैल्यू बी के नीचे बी की वैल्यू सी के नीचे सी की ए माइनस ए ये भी कैंसिल हो जाएगा प्लस बी माइनस बी ये भी कैंसिल माइनस सी माइनस सी माइनस टू सी सी प्लस डी आपके पास आ गया माइनस टू सी अब आपने फ़ाइंड क्या करना है ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी आपके पास ए प्लस बी की भी वैल्यू आ गई सी प्लस डी की भी आ गई ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास टू ए प्लस टू सी ये जो हमने ऊपर फाइंड की है ये वाली और सी प्लस डी है माइनस टू सी अब इन दोनों को आपने सेपरेट कर देना है, जो फर्स्ट वैल्यू ये ऊपर आ जाएगी माइनस सेकेंड वैल्यू नीचे अब माइनस के जो राइट साइड पर वैल्यू इनके आपने साइन चेंज कर देने सी के नीचे सी ही आएगा ए के नीचे अगर ए होता तो आता ए नहीं है तो ये वैसे ही आ जाएगा माइनस करना, करना है सब ट्रेड करना हमने तो जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे जो माइनस है वो साइन प्लस हो जाएगा टू एज इट इज़ आ जाएगा प्लस टू सी पहले इसके साथ माइनस है चेंज हो गया प्लस हो गया प्लस टू सी प्लस टू सी प्लस फोर सी उसके बाद आपने टू ए प्लस फोर सी आपके पास आ गया अब आपने इसमें से देखना है कोई चीज़ कॉमन आ रही तो टू आ रहा है कॉमन टू यहाँ पर भी है और यहाँ पे फोर टू का मल्टीपल भी है टू कॉमन आ गया पीछे रह गया ए प्लस टू सी ये आंसर है